आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो ट्रक का जो टलौरी है, टेलर है और टीपर कैसे बनता है। देख सकते हैं ये है टलौरी, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली मैं चल रहा हूँ कंपनी में और कंपनी में दिखाऊंगा कि टेलर, टलौरी, टीपर कैसे बनता है। तो फाइनली मैं चलता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं कंपनी में आ चुका हूं और इसके बारे में मैं मेन चीज़ बताना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और कहां से शुरू होता है कहां तक ख़त्म हो जाता है इसकी वजह से। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूं। ये जो देख सकते हैं ये पूरा गार्डर है और सबसे पहले टलौरी या टीपर खड़ा करने के लिए चैनल लेकर आना पड़ता है और उसको मार्किंग करके इसमें से कुछ पट्टी काट के निकाला जाता है और तब ये सड़ता है। उसके बाद ये बिल्डिंग होता है। तो ये पूरा गार्डर है और आगे ये गर्दन बोला जाता है। तो ये फाइनल हो जाने के बाद ये उसके बाद बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग हो जाने के बाद उसको ऐसा खड़ा किया जाता है ऐसा सीधा। के बाद अब इसके ऊपर तो जो वो चीज़ दिखाया जो गार्डर है, गार्डर के बाद बन जाने के बाद फाइनली दूसरा स्टेप में ये होता है जो है चेचिस मानो तो चाहे गार्डर मानो तो दोनों एक ही चीज़ बोला जाता है। उसके बाद ये जो है कान लगता है सपोर्ट चादर लगाने के लिए कि इसके ऊपर चादर आएगा तो ये सपोर्ट लगेगा, इसको बोला जाता है कान। और बीच में जो है मजबूती के लिए चैनल भी लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं जिसके बोलते हैं क्रॉस। और ये है उसके बाद मैं तीसरा स्टेप दिखाना चाहूँगा कि इस पर चादर कैसे लगता है। तो फाइनली कान लग जाने के बाद में इसके ऊपर चादर लगता है जिसको चक्कर प्लेट बोला जाता है या चादर बोलो। देख सकते हैं आप ये चादर लगता है पूरा नीचे बिल्डिंग हो जाने के बाद और फाइनली फिटिंग कर देने के बाद ये चादर लगता है, आप लोग देख सकते हैं। चादर लग जाने के बाद इसको जो साइड में जो बॉडी खड़ा करते हैं आप दिखाएं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि बॉडी कैसे बनाते हैं। ये वाला जो देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये है बॉडी, साइड बॉडी है। ये साइड बॉडी को पहले चादर को छोटा छोटा चादर को ज्वाइंट किया जाता है, उसके बाद ये जो है सपोर्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ये सपोर्ट लगा हुआ है। जो बिल्डिंग है पूरा फाइनल बिल्डिंग नहीं होता क्योंकि ये वो वाला जो बॉडी आप लोग देखा वो वाला बॉडी जो है यही है जो लगा हुआ है, क्योंकि वो जो नीचे है वो थोड़ा बिल्डिंग होता है और टैकअप रहता है। उसके बाद ये खड़ा हो जाने के बाद ये बिल्डिंग होता है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो है पहिया कैसे लगता है वो मैं दिखाना चाहूँगा, उसके बाद क्या लगता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है नाखा मुर्गा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से यहाँ। ये जो है फुल बिल्डिंग हो जाने के बाद इसके बाद एक्सल लगता है, तो मैं दिखाऊंगा कि एक्सल कैसे लगा हुआ है। तो फाइनली मैं वो दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं ये वाला है जो है एक्सल है, कमानी है, उसके बाद कमानी रकाब जो भी है मतलब इसका डिटेल है और बैलेंस रड सब ये नाखा मुर्गा लग जाने के बाद ही लगता है, क्योंकि जब तक फुल बिल्डिंग नहीं होगा इसके बाद ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये टूट सकता है। और देख सकते हैं नीचे के जो है पूरा सिस्टम इसका, देख सकते हैं ये पूरा नीचे जो है ये पूरा लगा हुआ है और अंदर देख सकते हैं। ये बिल्डिंग मारने के लिए पहले पूरा सपोर्ट लगाया जाता है, इसके लिए मैं सपोर्ट वाला भी चीज़ दिखाना चाहूँगा कैसे सपोर्ट लगा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं इसको बिल्डिंग मारने के लिए पहले सपोर्ट लगाया जाता है और ये जो है पूरा फिटिंग किया जाता है। ये नहीं कि ये साइड जो है कुछ और साइज है, वो साइड जो है कुछ और साइज, ऐसा नहीं है, पूरा वहाँ से यहाँ तक ले पूरा फिक्स साइज रहता है और इसको सपोर्ट लगा के ही बिल्डिंग किया जाता है। बिना सपोर्ट लगा के अगर आप लोग बिल्डिंग कीजिएगा तो ये जो है साइड वाला जो साइड थी है वो बेंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला पूरा जो बिल्डिंग है ये सपोर्ट लगाने के बाद ही बिल्डिंग होता है और नहीं नीचे बिल्डिंग होता है। नीचे आप लोग बिल्डिंग मान लीजिएगा जो साइड है वो बेंड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग होता है कॉर्नर वाला और ए वाला। उसके बाद फाइनली मैं दिखाऊंगा कि बन के कैसे तैयार हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बैक साइड है, ये इसका ढाला है और बैक साइड का है, देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। ये पूरा हो जाने के बाद ये पेंटिंग में जाता है सब, मतलब ये जो है यही कंपनी है, आप लोग देख सकते हैं इसी कंपनी में ये बनता हुआ है। और ये पूरा फिटिंग हो जाने के बाद, पूरा फुल बिल्डिंग हो जाने के बाद, सब कुछ लगा देने के बाद ये पेंटिंग के लिए निकलता है, पेंटिंग का काम रहता है। देख सकते हैं कुछ खास बड़ा कंपनी भी नहीं है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंपनी हमारा बिहार यूपी में हो जाए तो कितनी खुशी की बात है कि जो इस लाइन में काम करने वाले लोग हैं या जो फैमिली वाले लोग हैं जो, और ये कोई खास बड़ा कंपनी नहीं है, ठीक है ना। और ये बनाने वाले जो लोग हैं कोई यूरोप और अमेरिका से नहीं आए हुए हैं, ये जो लोग हैं यूपी बिहार और कुछ लोग यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बनाते हैं। ये जो आप लोग कंपनी देख रहे हैं ये जयपुर में कंपनी है। अगर इस तरह के कंपनी जो है हमारे बिहार में अगर
बैठ जाता है तो कितना खुशी की बात होगा। जो लोग इस लाइन में काम करते हैं और जो लोग इस लाइन का काम जानते हैं, जो घर से मतलब जो फैमिली वाले लोग हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको लिए कितने खुशी की बात होगी यार कि अपने राज्य में रह के अपने ज़िला में रह के हम काम करेंगे और शाम को अपने घर चले जाएंगे, कितने खुशी की बात होगी। तो मैं चाहूँगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं या लीडर हैं, जितने लोग बड़े पद पे हैं, इस तरह के कंपनी हमारे बिहार में बैठाएं और डालें कि जो लोग हैं बिहार के उन लोगों के लिए रोज़गार बढ़े, रोज़गार मिले, तो कितनी खुशी की बात होगी। हैं, कौन सा हमारा बड़ा कंपनी है कि इसमें 5,000-10,000 लोग करते हैं, खूब मुश्किल से अगर लोग नहीं करते होंगे तो इसमें काम बहुत कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यही जो है कंपनी है। तो मैं चाहूँगा इस तरह के कंपनी जो बड़े लोग हैं डाले कि जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते उन लोगों के लिए तो कम से कम रोज़गार मिलेगा। जो यंग आदमी है वो तो घर से बाहर निकल कहीं भी काम कर सकते, वक्त के हिसाब से फैमिली बढ़ता है, फैमिली के साथ में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा बिहार के जितने भी दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लीडर हैं, इस तरह की कंपनी पर ध्यान दें और अपने बिहार में बैठवाएँ। आप सभी का स्वागत है परवेज जार्क ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।